नमस्कार दोस्तों, आज हम एक देखेंगे नई वैकेंसी जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत निकली हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं कितनी है। जो सीरियल नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट में है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, इसके लिए 30 वैकेंसीज है, और सेकंड है सीनियर टेक्नीशियन, इसके लिए 20 वैकेंसी है। डिसिप्लिन वाइज देखें तो 30 वैकेंसी जो पहली वाली निकली है टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें 12 केमिकल है, 5 मैकेनिकल, 2 इलेक्ट्रिकल, 6 माइक्रोबायोलॉजी, 5 सिविल। और सेकंड में डिसिप्लिन वाइज जो देखते हैं सीनियर टेक्नीशियन में, इसमें एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर और कारपेंटर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट दी हुई है वो 17 फरवरी 2020 से 8 मार्च 2020 तक है। मतलब अभी इसकी ये डेट खत्म होने वाली है, 8 मार्च तो अभी आने वाला है, तो जल्दी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी है, इसके लिए बैचलर डिग्री साइंस में मांगा गया है, चाहे आप केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कोई सब एक सब्जेक्ट अगर आप बीएससी के साथ है और 60% मिनिमम मार्क्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, केमिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फूड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी, और 60% आपके मिनिमम मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेकंड पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन के लिए, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, 10th पास है और साथ में आपने आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रीशियन से या फिर एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक, फीटर, कारपेंटर, वेल्डर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। और इसके लिए एज लिमिट जो मांगी गई है, जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए एज लिमिट है 18 to 13 टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, और सीनियर टेक्नीशियन के लिए 18 to 27 है। और इसका पे स्ट्रक्चर जो है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी का लेवल 6 पे स्ट्रक्चर है 7 CPC का अकॉर्डिंग, दिस मीन्स आपको 45,000 के अराउंड आपकी सैलरी रहेगी, और सीनियर टेक्नीशियन में आपकी अराउंड 30,000 के आसपास सैलरी रहेगी। और इसका जो भी एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया हुआ है इसके साथ साथ, और इसके अप्लाई कैसे करना है ये भी हम आगे देखेंगे। ये रहे इसके इंपॉर्टेंट डेट। रजिस्ट्रेशन करने की जो इंपॉर्टेंट डेट है 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, 8 मार्च को क्लोज हो जाएगी, और जो एप्लीकेशन फी ऑनलाइन पे करना है ये भी 8 मार्च को क्लोज होने वाली है, और एडमिट कार्ड जो इशू होगा वो 23 मार्च को हो सकता है, टेंटेटिव है, और ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है 20 मार्च 2020 को स्टार्ट हो सकता है, ये भी टेंटेटिव है, और रिजल्ट भी 21 अप्रैल को आ सकता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है www.bis.gov.in। सिलेक्शन के बाद आपका यहाँ पर 2 ईयर्स का प्रोविजन पीरियड रहेगा, और जो सर्विस बेनिफिट रहेगा जैसे कि आपको लीव मिलेगा, LTC मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, लीव इनकेसमेंट जो मिलेगा 15 डेज इन ए ईयर, और पोस्टिंग जो रहेगी आपकी BIS के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपके 60% मार्क्स से कम है, जैसे 59.99 है आपका, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर 50% में 49.99 है तो वो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, 60% मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, बोर्ड से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं अपर एज लिमिट और रिलैक्सेशन दिया हुआ है, अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स है, OBC है 3 ईयर्स, और फिजिकली डिसेबल है तो आपको 10 ईयर्स है, और बाकी एक सर्विसमैन के लिए भी 3 ईयर्स दिया हुआ है यहाँ पे। ये पैटर्न दिया हुआ है एग्जाम का, जो पैटर्न रहेगा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वो रीजनिंग 50 मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स 15 है, इंग्लिश के लिए 50 है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी 50 है, और टेक्निकल नॉलेज के लिए 50 है, टोटल 200 मार्क्स है, और इसके लिए आपको 120 मिनट्स मिलेगा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। और सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी आपको रीजनिंग 50 मार्क्स है, इंग्लिश 50 मार्क्स है, और जनरल अवेयरनेस का भी 50 मार्क्स है, और ITI से रिलेटेड जो है वो भी 50 मार्क्स है, ये भी 200 टोटल है, और इसका भी टाइम जो टोटल दिया है 120 मिनट्स है। अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट भी होगा इसमें, दिस मीन्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर कहाँ कहाँ पे है, इस सेंटर की पूरी लिस्ट दी हुई है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पूरा देख सकते हैं, और मैं पूरा लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप पूरा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं।
ये कट ऑफ स्कोर का डिटेल दिया हुआ है, मिनिमम 50% मार्क्स आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। यहाँ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी डिटेल दिया हुआ है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड या बैंक पासबुक जैसा फोटोग्राफ हो, ये सारे प्रूफ माने जाएंगे। लेकिन इसमें ई आधार कार्ड या राशन कार्ड को वैलिड आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा। अगर आप लेट रिपोर्ट करते हैं तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर, पेजर्स, ये कुछ भी अलाउड नहीं है आपको। आपका जो कॉल लेटर है आपको SMS या ईमेल आईडी के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा, तो इसके लिए जो आप ईमेल आईडी दे रहे हैं या फिर आप जो भी मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी, जो भी आप पेमेंट करेंगे फीस का, ये 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 8 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जो भी फीस पेमेंट करेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड नहीं किया जाएगा। ये गाइडलाइन दी गई है, स्कैन करके आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। व्हाइट पेपर साइन करना है ब्लैक पेन से। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मे बी इट विल हेल्प फॉर योर फ्यूचर।